इस वीडियो में आप देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और लीनियर इक्वेशन को हिंदी में रैखिक समीकरण कहा जाता है और इस तरह के समीकरण को यानी कि इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो आप इन सभी बेसिक पॉइंट्स को समझना चाहते हैं और इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए और देखिए कि किस तरह से हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे और किन किन बेसिक पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 8x प्लस 21 अपॉन 4 इक्वल टू 3x प्लस 6। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब बराबर का साइन लगा हो जिस भी तरह के क्वेश्चन में उसे इक्वेशन कहा जाता है और हिंदी में समीकरण कहा जाता है। और इसमें x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है या कुछ भी ABCD का अक्षर या कोई भी सिंबल है साथ में और उसकी कोई पावर नहीं है। इसका मतलब उसकी पावर सिर्फ एक है, यानी x के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, कोई घात नहीं लगी है। इसका मतलब इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन इंग्लिश में और हिंदी में रैखिक समीकरण या फिर एक घात समीकरण कहा जाता है। तो इसे देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप x के साथ में जो भी टर्म लिखा है, यहाँ पे x के साथ जो भी टर्म लिखा है उसको आप एक साथ कर लीजिए और जो बिना किसी अल्फाबेट या किसी अक्षर के यानी लेटर के साथ में लिखा है यानी सिंपल नंबर लिखा है, यानी 21/4 ये एक सिंपल नंबर है, 6 ये एक सिंपल नंबर है, तो इसको एक साथ में कर लीजिए। 3x और 8x को एक साथ में कर लीजिए। अब चाहे आप 3x को इधर 8x के पास ले आइए, इसको उधर ले जाइए, या फिर 8x को उधर ले जाइए, 6 को इधर ले आइए, कुछ भी आप करिए, नंबर नंबर एक तरफ कर लीजिए, x वाले टर्म एक साथ कर लीजिए। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम इस वाले को इधर ले आ रहे हैं क्योंकि घटाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे 8x पहले से लिखा है, हमने लिख दिया वैसे ही। उसके बाद ये 3x है और इसके आगे कोई निशान नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसके आगे प्लस का निशान लगा हुआ है। अगर किसी के आगे कोई निशान नहीं है तो आप अपने मन से मान लीजिए उसके आगे प्लस का साइन है, और प्लस के साइन को अगर बराबर के आप इधर लेके आइए, दूसरी साइड लेके जाएंगे प्लस वाले साइन को, तो वो साइन उसके आगे आ जाएगा माइनस का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होती है, यानी कि प्लस वाले को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी बराबर से इधर उधर आने जाने में प्लस और माइनस आपस में चेंज होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 हम लिख देंगे, उसके आगे प्लस का निशान था, तो सबसे पहले कोई नंबर है नहीं, सिर्फ निशान है, तो प्लस हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन में मान लेंगे कि इसके आगे प्लस का निशान है। यहाँ पे 21/4 लिखा है और इसके आगे प्लस का निशान है, इसे हम बराबर के उधर ले जा रहे हैं, तो इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, इसके आगे प्लस का निशान है, बराबर के उधर जाके माइनस में हो जाएगा 21/4। अब यहाँ देखिए नंबर नंबर एक तरफ हो गए और x वाले टर्म एक साथ हो गए। अब यहाँ 8x के आगे कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने मन से मान लेंगे कि इसके आगे प्लस का निशान लगा हुआ है, तो 8x के आगे प्लस का निशान और 3x के आगे माइनस का निशान, तो माइनस और प्लस आपस में घट जाते हैं, यानी कि अगर माइनस होता इसके आगे भी माइनस होता तो जुड़ जाता, इसके आगे प्लस होता इसके आगे प्लस होता तो जुड़ जाता, यानी एक ही तरह के साइन होते तो जुड़ जाता, और अलग अलग साइन है तो घट जाएगा। इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, अलग अलग साइन है तो घट जाएगा, एक ही तरह के साइन होते तो जुड़ जाता। तो 8x में से 3x को घटाएंगे क्योंकि अलग अलग साइन है, घटेगा, 8x में से 3x जाएगा तो बचेगा सिर्फ 5x। अब इसके आगे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा निशान लगेगा, यहाँ घटने के बाद 8 में से 3 गया, 5x बचा, अब इसके आगे निशान प्लस का आएगा या माइनस का आएगा ये कैसे डिसाइड करें, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। बड़ा है 8x, 8 बड़ा है और 8 के आगे कौन सा निशान है, प्लस का, इसलिए इसके आगे प्लस का निशान आएगा, और प्लस का निशान आगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन में मान लीजिए कि इसके आगे प्लस का निशान लगा है, अगर माइनस आता तो आपको लगाना पड़ता। अब यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद यहाँ एलसीएम लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है और आप बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हैं कि एलसीएम किस तरह से निकालें और इस तरह के सिंप्लीफिकेशन को किस तरह से सॉल्व करें, तो सिंप्लीफिकेशन की वीडियो का लिंक और एलसीएम की वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सिंप्लीफिकेशन भी इस तरह के करना सीख जाएंगे और एलसीएम को किस तरह निकाला जाता है वो भी निकालना सीख जाएंगे। तो फिलहाल इसको हम किस तरह से करेंगे, पहले आप इसे इस तरह से लाइन खींचेंगे, 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो आप अपने मन से इसके नीचे मान लीजिए कि 1 लिखा हुआ है, किसी भी नंबर के आगे कोई नीचे नंबर कोई नहीं लिखा है तो आप अपने मन से मानेंगे उसके नीचे 1 लिखा हुआ है, और 1 है यहाँ पे 4 है, तो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो सिर्फ 4 आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस 1 को इस 4 के नीचे रखिए, एक बार रफ में ये काम करिएगा, 4 में से 1 को 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और फिर 4 का ऊपर 6 में मल्टीप्लाई कीजिए,
तो कितना आएगा, 4 * 24 होता है तो यहाँ 24 लिख देंगे, उसके आगे माइनस का निशान लगा है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद फिर इस 4 को यहाँ नीचे रखेंगे, इस वाले 4 के नीचे। अब क्या करेंगे, याले 4 को यहाँ नीचे रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 को 4 से जब भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, तो 1 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा। उसके बाद ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये काम करना पड़ता है, तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिया। पहले 1 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसका इसमें से इस नंबर से डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसमें से इसको घटा लीजिए, इसके आगे प्लस का निशान है, इसके आगे माइनस का निशान है। 24 में से 21 गया तो कितना बचा, 24 में से 21 गया तो बचेगा 3/4, 4 नीचे था तो 4 पहले लिख दिया। अब ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, बड़ा है 24, और 24 के आगे प्लस का निशान है, इसलिए इसके आगे प्लस का निशान आएगा, मगर प्लस का निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5x को वैसे ही आप यहाँ नीचे उतार लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 5 और x के बीच में कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, गुणे का निशान है, और गुणे का निशान है और हमें बराबर के उधर लेके जाना है 5 को, तो यहाँ 3/4 तो पहले से लिखा है, मल्टीप्लाई में ये क्या करना है हमको, उधर लेके जाना है 4 को, 5 को उधर ले जाना है, और 5 मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है बराबर के उधर जाके डिवाइड में हो जाती है, और डिवाइड में अगर होती है तो बराबर के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है। अगर यहाँ पे ये 5x के नीचे होता, 5/x/5 होता, तो बराबर के उधर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, 3 में मल्टीप्लाई होता, लेकिन वो ऊपर था मल्टीप्लाई में, ऊपर था 5 तो बराबर के उधर जाके नीचे चला जाएगा डिवाइड में। यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में चेंज होते हैं, अगर इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में हो तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको x बराबर लिखना है, 3/4 * 5 लिखा है, 4 का 5 में गुणा करेंगे, 4 * 5 = 20 होता है, 3/20 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू निकल के आ गई 3/20। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया हो और समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन और आपको चाहिए, क्या मुझे और इस तरह के क्वेश्चन पर वीडियो बनानी चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आराम से आपको समझाया, बहुत ही आराम से एक्सप्लेन किया, इसलिए उसको सॉल्व करने में टाइम लगा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए हम कितनी इजीली और बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी इसे कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, x वाले टर्म एक साथ करने हैं, 9/4x है, x/2 इसको एक साथ कर ले रहे हैं, 4 को उधर ले जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, 9/4x है, इसको यहाँ लिख दिया, x/2 है, इसके आगे प्लस का निशान है, बराबर के इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे, 10 लिखा हुआ है 10 लिख देंगे, इसके आगे प्लस का निशान है, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से समझ जाएंगे, इसके आगे प्लस का निशान है, 4 के आगे माइनस का निशान है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नीचे 2 लिखा है या 4 लिखा है, यानी 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा। एलसीएम आप सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस तरह का सिंप्लीफिकेशन किस तरह से किया जाता है उसकी वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख के बहुत ही आसानी से सीख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, फिर ये वाले 4 को इसके नीचे रखेंगे, इस वाले 4 को यहाँ पे नीचे रखेंगे एक बार, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 9 ही आएगा, तो 9 आएगा, 9 नंबर ऐसे ही लिखे दे रहे हैं। x पहले से लिखा है मल्टीप्लाई में, x भी लिख दिया, उसके आगे माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया, फिर 2 को इसके नीचे रखिए, 2 को नीचे रखेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई x में करेंगे 2 में तो 2x आ जाएगा, फिर यहाँ से ये हटा देंगे, ये आपको समझाने के लिए बताया था। उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे, 10 में से 10 के आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का निशान है, 4 के आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का निशान है, तो 4 और 10 जुड़ के 10 हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन है तो सेम साइन होते हैं तो अब जुड़ जाता है, तो 10 और 4 मिलके हो जाएगा 10, और इसके आगे 10 और 4 मिलके हो जाएगा 14, यानी 14 हो जाएगा, 10 और 4 को जोड़ेंगे 14 आ जाएगा,
और सबसे बड़ा नंबर कौन है? 10, और 10 के आगे प्लस का निशान है, इसलिए यहाँ प्लस का निशान आएगा। मगर प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से समझ जाएंगे, इसके आगे प्लस का निशान लगा हुआ है। 9 में से 2 घटाएंगे, 9 के आगे निशान कौन सा है? प्लस का, इसके आगे माइनस का, अलग अलग निशान है इसलिए ये घट जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 लिखेंगे, 7x/4 लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों में बड़ा कौन है? 9, 9 के आगे प्लस का निशान है इसलिए यहाँ प्लस का निशान आएगा। ये काम आपने कर लिया, उसके बाद 14 बराबर लिख देंगे। उसके बाद x के साथ में ये सब मल्टीप्लाई में लिखा है, बराबर के उधर आपको ले जाना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 लिखा है, 14 लिख देंगे। 4 यहाँ डिवाइड में है, बराबर के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 यहाँ पे आ गया। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब आप इसको काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 7 एक बार में जाएगा, यहाँ दो बार में जाएगा, 7 2 14 होता है, बराबर 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 होता है, यानी x की वैल्यू 8 निकल कर आ गई। तो इस सवाल को सॉल्व करके हमारा आंसर 8 आ गया। तो आप इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।